कि मधुबनी में जो घटना घटित हुई है उसे मैं कड़ी से कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं। हम लोग लाश जलाने के लिए बुढ़ा आदमी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, बेटा सब जा रहा है सामने से। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीटीवी भारत, मैं हूं आपके साथ निभा सिंह। मधुबनी जिले में होली के दिन एक ही परिवार के 5 लोगों की अपराधियों ने बेरहमी से हत्या कर दी थी, जिसके बाद सियासत पूरी तरह से गर्मा गर्मी में है। विपक्ष हो या सत्ता पक्ष हो, दोनों को ही सरकार से एक ही मांग कर रहे हैं कि अपराधियों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द हो। अब इस घटना को लेकर पवन सिंह ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है और मधुबनी जिले की इस घटना को बेहद दुखद बताया है। पिछले 2-3-4 दिन से मन बहुत ही दुखी है। बिहार के मधुबनी में जो घटना घटित हुई है उसे मैं कड़ी से कड़ी शब्दों में निंदा करता हूं और बिहार सरकार से मांग करता हूं कि दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए और उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, ताकि इस तरीके की घटना दूसरे परिवार के साथ ना हो पाए। इसके अलावा मेरे पास कोई शब्द ही नहीं है। मैं पीड़ित परिवार के साथ हूं और आप लोगों से बहुत ही जल्द मिलने भी आ रहा हूं। हम लोग लाश जलाने के लिए बुढ़ा आदमी लोग यहां पर बैठे हुए हैं, बेटा सब जा रहा है सामने से। आप लोग जो है जनता जिता के भेज दिया, आप लोग कुर्सी आराम से सीलिंग फैन के नीचे एकदम जो है सब मार रहे हैं, जो करना है मरवा दीजिए हम लोगों को भी, आप लोग पूरा राज ले लीजिए, आप लोग जो है सो बीजेपी वाला बैठ करके देखे और मेरे बाल बच्चा को सब जो है सो एकदम पाकिस्तान के बॉर्डर पर जिसे भूजता है उसे भूज के चला गया। ये कहाँ का आतंक ही आ गया? विधायक जी आप जवाब दीजिए ना, कहाँ से आतंकी आप लोग पोस के रखे है इस जिला में, जो इस ढंग के जो है मसलम तो रहे है, क्रिमिनल गुंडा पाल रहे है, लूटो मारो काटो, प्रशासन मेरे हाथ में, हम हिलने नहीं देंगे। इसे अन्याय क्या की करवाइएगा आप लोग, और ये टोटल बीजेपी वाले के जो है सब पूरा चाल से ये सब हुआ है। हम खुलियाम कहते हैं कोई चोरा के नहीं, हम तो चाहते हैं जो आप मुझे भी गोली मरवा दो, हम जिंदा किस चीज के लिए रहेंगे, मेरे जैसा पति कौन है इस पृथ्वी पर जिसका बेटा चल चल चला गया सामने से, वीर सब चला गया और बाप पति यहाँ पर पड़ा हुआ है, मेरा प्राण क्यों नहीं निकल रहा अभी तक। आपको बता दे पवन सिंह बीजेपी से जुड़े हुए हैं, उन्होंने इस घटना की कड़ी निंदा करते हुए सभी अपराधियों की गिरफ्तारी जल्द से जल्द होने की मांग किए हैं। हालांकि इस मामले में 10 अपराधियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहें डीटीवी भारत के साथ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर कर दें। धन्यवाद।